आज हम कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया को पढ़ेंगे। तो आइए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। देखते हैं भारत पाकिस्तान संघर्ष। घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर अगर नज़र डालें जहां पर बहुत अधिक संघर्ष हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं था कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। हम आंतरिक लोकतंत्र या जाति संघर्ष की बात करें तो टकरावों को हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से भी है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वव्यापी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1947-48 तथा 1965 के युद्ध में इस मसले का समाधान नहीं हुआ और 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रह गया। सामरिक मामले जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी तो हमेशा रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों के परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों से एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ में एक नया चरित्र आया। 1998 में भारत ने पोखरण में और कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद ही ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बन चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे पर संदेह की नज़र तो रखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति बनाई। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार और प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से लेकर 1995 तक की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी ISI पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान की समस्या को भड़काने का आरोप भी लगाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी और जल के बंटवारे पर सवाल पर भी कुछ तनातनी हुई। सन 1960 तक देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर कुछ विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समाधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद आज भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। कच्छ के रण में सर्फ क्रिक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन साथ एक चिंता भी है कि इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सर क्रिक इलाके से सटे
समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। अब है भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश। भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और जल के हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं। भारतीय सरकारों में बांग्लादेश से नाखुश होने के कारण भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश ने इनकार, ढाका में भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मामले जैसे मसले शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी और जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके में दादा की तरह बर्ताव करती है। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश सरकार के लुक ईस्ट और 2014 के एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया के संपर्क साधने की बात, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों पर आदान प्रदान भी किया है। इस बात को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ध्यान और संवेदनशीलता अपनाकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खासकर संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार में अक्सर अपनी अप्रसन्नता दिखाई है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती, इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन में अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती हैं, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूहों का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उनके नदी जल तथा पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए हैं। इन विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर एक साथ हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद आज भी बंधी हुई है। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंध में तनाव इस द्वीप में जारी जाति संघर्ष को लेकर है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप से नाखुश थे और उसे मारा जा रहा था, तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता था। 1987 में सैन्य हस्तक्षेप के बाद ये भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही थी। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत भूटान के पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी,
को भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्यवाही की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी बहुत मदद की है। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया और छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है, इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। उसी तरह भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि पड़ोसी देश उसका फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों के राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। दक्षिण एशिया के साथ के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जाति मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास और रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसलों पर मतभेद रहे हैं, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द रहते हैं। अब है शांति और सहयोग। क्या दक्षिण एशिया के एक दूसरे का सहयोग करते हैं या देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते और सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के साथ द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। दक्षेश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई देशों का बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से कुछ विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को अब ज़्यादा सफलता नहीं मिली और दक्षेश के अन्य सदस्य देशों ने सन 2002 में एशियाई दक्षिण मुक्त व्यापार समझौते साफ्टा द्वारा दस्तखत किए। इससे पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने का वायदा है। यदि दक्षिण एशिया के सभी लोग अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं, तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते के पीछे यही भावना काम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। 2004 में साफ्टा के समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 2006 में यह प्रभावी हो गया। इस समझौते का लक्ष्य यह है कि इन दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम किया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और अपने उद्यम और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर क्षेत्र को और हर देश को फायदा होगा और मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग बेहतर होगा। भारत के कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की कहानी जान पड़ते हैं, फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देश युद्ध में जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियां दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलनों में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर देखा जाए तो दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं। अब वीज़ा आसानी से मिल जाता है। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर
इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर तो पड़ता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर तो हुए हैं। चीन की रणनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महाद्वीप के ये दोनों बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं और सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है और अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर बनाए। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभाता आ रहा है। दोनों देशों के आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिका ज़्यादा की भागीदारी और ज़्यादा गहरी हुई है। अमेरिका ने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, फिर भी इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बने हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया के संघर्षों को आशंका वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता रहेगा अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुणधर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। बच्चों, यह गृह कार्य है जिसको आप अपनी कॉपियों पर नोट करेंगे। सिर्फ नोट ही नहीं करना है बच्चों, लिखने के बाद इन सभी प्रश्न उत्तरों को याद करना है क्योंकि आपको परीक्षा देना है, इसलिए इन प्रश्न उत्तरों को आप ही को याद करना पड़ेगा।